सेशन पे जब अगले दिन पे जब शुरू होगा तब आप करिए। कांग्रेस को गाली अभी परमानेंट लिस्ट ऑफ स्पेशल मेंशन मिस इंदु बाला गोस्वामी जी, ऑनरेबल गोस्वामी जी, डिमांड फॉर स्टॉपेज ऑफ वंदे भारत ट्रेन एट पठानकोट रेलवे स्टेशन, नॉट प्रेजेंट, स्पेशल मेंशन प्लीज, माइक्रोफोन, यस प्लीज स्टार्ट। माय सब्जेक्ट इज डिमांड फॉर स्टॉपेज ऑफ 22439 22440 वंदे भारत ट्रेन एट पठानकोट रेलवे स्टेशन। माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष वंदे भारत ट्रेन संख्या 22439/22440 पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर ठहराव के संबंध में निवेदन करना चाहती हूँ। वंदे भारत दिल्ली से कटरा आते और जाते पठानकोट से गुजरती है, किंतु स्टेशन पर ठहराव नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण रूट है जिसमें पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पंजाब हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा व कांगड़ा के लोगों के लिए एकमात्र ब्रॉडगेज रेलवे लाइन है। साल भर भारी संख्या में लोग माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जम्मू जाते हैं। इसके पश्चात अधिकतर लोग प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देवभूमि हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन हेतु माँ ज्वालामुखी, माँ बगलामुखी, नैना देवी, चिंतपूर्णी, चामुंडा देवी, माँ ब्रजेश्वरी व शिव मंदिर बैजनाथ आते हैं। वंदे भारत ट्रेन के पठानकोट कैंट स्टेशन पर ठहराव न होने की वजह से हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त धार्मिक स्थल पर्यटकों से वंचित रह जाते हैं। पठानकोट स्टेशन पर वंदे भारत के ठहराव से आम जन को कटरा जाने में बहुत आसानी होगी तथा धार्मिक पर्यटन को भी निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। वंदे भारत ट्रेन देश की पहली ऐसी रेल सेवा है जिसमें प्रीमियर सफर का सबसे अधिक ख्याल रखा गया है, इसलिए उपरोक्त रूट पर पठानकोट कैंट स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन का ठहराव लोकहित में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम होगा। मैं सरकार से मांग करती हूं कि आप संबंधित अधिकारियों को, माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि आप संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर वंदे भारत ट्रेन का ठहराव कम से कम 2 मिनट के लिए पठानकोट कैंट स्टेशन पर करवाने की कृपा करेंगे, धन्यवाद। थैंक यू। श्री एम मोहम्मद अब्दुल्ला जी, रिक्वेस्ट टू अलाउ द हाइपर और हाइपो पिगमेंटेड विटिलिगो पर्संस टू जॉइन इंडियन आर्मी। थैंक यू वाइस चेयरमैन सर। Attention is brought in the interest of the people who have the autoimmune disorder namely called vitiligo. Vitiligo is an acquired depigmentation disorder of great concern affecting 1-4% of the world population. Sir, a person with vitiligo develops patches of skin with little or no pigmentation across their body, and it is not a lethal or infectious disease. According to the medical standard of the Indian Defence Service, a candidate is deemed medically fit when he has no hyper or hypopigmentation or any other disease of the skin. Hence, the people with vitiligo found it difficult to join the Indian Defence Service. Hence, many of them feel distressed and stigmatized by their condition. Vitiligo candidates will be of normal anatomy without loss of any appendages. They will be free from all communicable diseases and skin ailment. Even though people who have vitiligo disorder are expected to be at risk and adverse weather condition and at high altitude, the risk is meager and even not for those with mild vitiligo. Such a physically and mentally fit aspirant having all the potential to perform their duties toward the nation should not be stopped from being a soldier or officer. Hence, I humbly request the Honorable Minister of Defense to immediately look into this issue with utmost priority and take the necessary step to regulate the medical standard of Indian Defense Service so that they can be placed in civil post and ensure their service to the nation in this regards. Thank you, sir. Thank you. Shri Vijay Pal Singh Tomar, demand for starting domestic flights from Meerut to various cities by expanding airstrip under the Udaan scheme. धन्यवाद उपसभापति महोदय। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना द्वारा देश के विभिन्न शहरों को हवाई सेवा से जोड़ा है। मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक मुख्य शहर है जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यहाँ से 1857 में आज़ादी की क्रांति का पहला बिगुल फूका गया था।
जिसकी याद में शहीद स्मारक पर एक म्यूजियम बना है। बाघा बाबा गोबरनाथ का मंदिर भी पर्यटन केंद्र है और महाभारतकालीन राजधानी हस्तिनापुर मेरठ जिले में स्थित है। पांडवों के समय से वारणाव्रत, विदुरकुटी, शुक्रताल, परीक्षतगढ़ पर्यटन के केंद्र बने हुए हैं। मेरठ खेल के समान का देश का दूसरा नंबर का हब है। विश्वभर में क्रिकेट के लिए मेरठ से निर्मित बैट बल्ले का प्रयोग किया जाता है। विश्व के अधिकांश खिलाड़ी क्रिकेट सामान खरीदने यहाँ आते हैं। गत वर्ष एशिया स्तर के ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मेरठ जिले में यहीं किया गया है। मेरठ से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ करीब 550 किलोमीटर, हाईकोर्ट प्रयागराज करीब 750 किलोमीटर, वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर करीब 850 किलोमीटर, गोरखनाथ धाम मंदिर करीब 800 किलोमीटर, इन सभी स्थानों पर जाने में रेल से 12 से 20 घंटे का समय लगता है, जिससे यात्रा को काफ़ी समस्या आती है। मानवर वर्तमान में एक हवाई पट्टी मेरठ में स्थित है, जहां पर चार्टर प्लेन और हेलीकॉप्टर वगैरह उतरते हैं। आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि उड़ान योजना के अंतर्गत मेरठ की हवाई पट्टी का विस्तारीकरण कर देश के विभिन्न शहरों को मेरठ से घरेलू हवाई यात्रा शुरू की जाए। धन्यवाद। थैंक यू श्री अब्दुल वहाब, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर कनिमुड़ी एनवीएन सोमू, डिमांड टू डेवलप क्रूज टूरिज्म इन चेन्नई। थैंक यू चेयरमैन सर। क्रूज टूरिज्म इज एमर्जिंग एज वन ऑफ द रैपिड ग्रोइंग सेगमेंट्स ऑफ द लेजर इंडस्ट्री ग्लोबली। द इंडियन टूरिज्म सेक्टर इज प्रोवाइडिंग मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP एंड फॉरन एक्सचेंज earnings EFF, as well as for providing employment. Chennai port is one of the oldest ports in the country in the southern part of India from the time of East India Company. During the British period, passenger services were operating regularly from Chennai to Malaysia, Burma and Andaman. India's first international cruise was flagged off from Chennai to Sri Lanka in June 2023. The MV Empress with 750 passengers on a 5-day sea cruise will cross 3 ports. Cruise tourism holds huge opportunity for our maritime sector, and this cruise will further boost tourism, generate employment, and strengthen the economy. The cruise was launched from Chennai's International Cruise Terminal, built at a cost of ₹17.21 crore. The main aim of the government is to develop Chennai as a cruise tourism hub. This initiative has the potential to greatly contribute to the economic development and tourism growth in India. By 2024, the government plans to build 3 new international cruise ports with additional ferry routes through India, Sri Lanka, Thailand and Myanmar. At the moment, there are only few ferries piled by private companies and the cost is on a higher side. Therefore, I urge the government of India to ply government-sponsored ferries at an affordable cost so that more and more tourists will experience cruise tourism in India. Thank you, sir. Thank you. Sri Sadanand Sheth Tanwade. Chairman sir, my special mention is concern over revocation of Indian passport in Goa. I beg to call the attention of the Minister of External Affairs to an important issue that has emerged in Goa, affecting a considerable number of individuals. The regional passport office has recently revoked the passport of over 70 people due to the renewal of their Indian passport subsequent to registering their birth in Portugal. The basis of this revocation of regional passport office in Goa is the birth registration in Portugal, considered as the effective date of acquiring citizenship. I urge the Minister of External Affairs to reconsider the decision of revoking Indian passports solely based on the birth registration in Portugal. I propose that the ministry allows the renewal of Indian passports for these individuals until they acquire the official citizenship document from the Portuguese government. This measure is vital to facilitate their travel and ensure their well-being during the transition period until their Portuguese passports are ready. Furthermore, I implore the ministry to expedite the process enabling individuals to promptly obtain OCI cards upon acquiring Portuguese citizenship. Thank you, sir. Thank you. Sri Irana Kadari, not present. Srimati Sulota Dev, not present. Srimati Mahua Maji, demand to declare Central Institute of Psychiatry, Ranchi, Jharkhand as Institute of National Importance on the line of Nemans, Bengaluru. Thank you, Honorable Vice Chairman, sir.
My subject is demand to declare Central Institute of Psychiatry, Ranchi, Jharkhand, as Institute of National Importance on the line of NIMHANS, Bangalore. महोदय, मानसिक चिकित्सा से जुड़े इस विश्व प्रसिद्ध अनूठे संस्थान की स्थापना 1918 में हुई थी। अब जब भारत में मानसिक समस्या तेजी से फैल रही है, तो पूर्वी भारत के झारखंड रांची के कांके में स्थित इस संस्थान की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। मानसिक समस्या के कारण 2012 से 2030 के बीच 1.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक क्षति का अनुमान है। लैंसेट की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हर सातवां भारतीय किसी न किसी प्रकार के मनोविकार का शिकार है। आज आर्थिक सामाजिक तनाव, बेहतर जीवन प्रत्याशा और अवसाद के कारण माइग्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिज़ोफ्रेनिया, अल्जाइमर, डिमेंशिया इत्यादि जैसी मानसिक बीमारियां या मनोविकार हो रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए लोगों को इससे बचाने और इसके समुचित इलाज के लिए अच्छे मनोचिकित्सा संस्थानों का होना बहुत ज़रूरी है। महोदय, रांची स्थित यह संस्थान एक ऐसा अग्रणी संस्थान है जो केंद्र सरकार की सहायता से पूर्वी भारत के लोगों के मनोरोगों के इलाज की दृष्टि से वरदान साबित हो सकता है। अतः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध करती हूँ कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री को पूर्वी भारत का निमहांस घोषित कर इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाया जाए, इसका पुनरुद्धार किया जाए। यहाँ शिक्षकों, पीजी के सीट, वार्डों की संख्या और अन्य सुविधाएं बढ़ाई जाए ताकि लोगों को सस्ती, सुलभ और विश्व स्तरीय चिकित्सा मिल सके। निमहांस बेंगलुरु का बोझ भी कम हो, लोगों का राह खर्च, होटल खर्च बचे, समय बचे और ज़रूरतमंदों को सस्ती, सुलभ और विश्व स्तरीय चिकित्सा मिल सके। यह संस्थान भारत को स्वस्थ रखने में मील का पत्थर साबित होगा। कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री के आर एन राजेश कुमार, नॉट प्रेजेंट। श्रीमती गीता एलियस चंद्रप्रभा, डिमांड ऑफ GI टैग फॉर देसी घी फ्रॉम ओरिया, उत्तर प्रदेश। जी धन्यवाद महोदय। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और विभिन्न जिलों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हमारे जनपद औरैया को देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। महोदय, वैदिक कालों से आज तक देसी घी का स्वास्थ्य के साथ साथ पूजा अर्चना में भी बड़ी मान्यता रही है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य, तो वहीं छोटे किसान जो गाय भैंस पाल कर अपनी जीविका चलाने के साथ ही देसी घी को तैयार करने से अपनी आय को बढ़ोतरी करते हैं। इसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद नीति में औरैया जनपद के लिए देसी घी का चयन हुआ है। देश विदेश तक जिले में उत्पादित घी को पहुंचाने एवं संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जिले के उत्पाद के रूप में देसी घी को चुना गया है। जिले में देसी घी के उत्पादन और व्यापार और मजबूती देने के लिए तथा देश विदेश तक इसकी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार एवं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि औरैया जनपद के देसी घी को GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा प्राप्त दिया जाए, जिससे कि देश के अन्य जियोग्राफी इंडिकेशन टैग प्राप्त वस्तुओं की तरह औरैया जिले के देसी घी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थान प्राप्त हो सके। धन्यवाद। थैंक यू। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर DP वत्स, रिटायर्ड। डिमांड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन मेडिकल सर्विसेज। थैंक यू सभापति जी। विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल फॉर वन वर्ल्ड वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेज टू मैनकाइंड बिकम्स आवर ड्यूटी। Being the largest population base in the world, with exportable human resources, including skilled medicals and paramedics, there is a huge demand for such professionals all over the world. Skilled manpower earns and brings massive foreign exchange and simultaneously get employment opportunities. To meet the global and national demand, Ministry of Health and Family Welfare has opened 23 AIMS, out of which 21 are functional, and 706 medical colleges with paramedical colleges, which is commendable. To meet such a huge demand,
government should liberalize the licensing policies to permit the medical graduates to operate emergencies, including cesarean sections, after a one-year course in surgery, gynae, and anesthesia courses, as was the practice before 1980. The medical profession should be taken out of Consumer Protection Act, and rural services should have more incentives. I urge the government to look into the matter to meet the huge demand of surgeons by imparting ad hoc practical training. Thank you. Shrimati Sumitra Balbik, need for promotion of self-help grounds to develop places like Jabalpur, Mandla, Chindwara, Panchmari as tourist centers. Ji. Upsabhapati Mahoday, dhanyawad. Aaj main आपके सामने जो विषय लेकर खड़ी हूँ वह मध्य प्रदेश से जुड़ा है। महोदय, पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वैसे तो यह बढ़ोतरी कोविड संक्रमण के बाद पूरे भारत में पर्यटन सेक्टर में हुई है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी फायदा हुआ है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल माना जाता है। भेड़ाघाट, चौसठ जोगनी, बांधवगढ़, कान्हा, खजुराहो आदि जैसे कई विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। इसके साथ ही बहुत से ऐसे प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से और भी विकसित किया जा सकता है। महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने स्वसहायता समूहों को बढ़ावा दिया है और करोड़ों महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ा है। आपके माध्यम से मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को और सुदृढ़ बनाने हेतु ऐसे ही स्वसहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाई जाएं। जबलपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, पचमढ़ी आदि स्थानों को पर्यटन के केंद्रों की तरह विकसित किए जाने से एक बहुत बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था के बढ़ते आयामों को लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगा। अतिथि देवो भावा के मूल तंत्र को मध्य प्रदेश ने अपनाया है और भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से प्रदेश का पर्यटन विभाग नए आयामों को छू सकता है। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर एल हनुमंतैया, कंसर्न ओवर राइजिंग नंबर ऑफ केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। थैंक यू सर। सर, कंसर्न ओवर राइजिंग नंबर ऑफ केसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। सर, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स is gathered through two reports, Road Accidents in India, published by the Ministry of Road Transport and Highways, and Crime in India, released by the National Crime Records Bureau. The data is solely sourced from police departments. Details about crashes are recorded through FIRs filed by involved parties. Witnesses are on-site police officers. In 2022, there were 150,998 cases reported for deaths due to negligence relating to the road accidents. This is 10.5% rise from cases reported during 2019 with 136,587 cases, which is an alarming and requires immediate intervention. Sir, however, the reporting processes itself has limitations. The majority of cases are attributed to human error, overlooking other factors such as vehicle and infrastructure issues. The cause of the crash is documented as the fault of a road user without considering other contributing elements. Furthermore, sir, the reporting mechanism does not account for fatalities occurring in hospitals after 30 days, as highlighted in the Road Accidents in India 2019 report published by the Ministry of Road Transport itself. The World Health Organization categorized India's official data on road traffic fatalities as either unsayable or unavailable due to quality issues in their 2019 Global Health Estimates released in December 2020. Sir, I would like to urge the government to adopt revised methodologies for collecting road traffic accident data that align with international standards. Thank you, sir. Thank you. Shri Ramchandra Jangra, need to prohibit setting up coal plants in non-coal producing areas. Dhanyawad Upsabhapati ji.
महोदय, बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण इन दिनों पूरी मानवता, पशु पक्षी सबके लिए गंभीर खतरा एवं चुनौती है। महोदय, वायु प्रदूषण के लिए वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा घटक कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। महोदय, एक समय था जब लोड फैक्टर के मध्य में बिजली संयंत्र लगाया जाता था, जैसे बठिंडा और पानीपत लगे, ताकि चारों तरफ बिजली की आपूर्ति हो सके। लेकिन पूरे देश में ग्रिड सिस्टम के विस्तार के बाद इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कहीं से भी बिजली संयंत्र को ग्रिड से जोड़कर बिजली को उपयुक्त जगह पहुंचाया जा सकता था। महोदय, जिन प्रदेशों में कोयला खदानें हैं वहाँ भूमि भी सस्ती है तथा जंगलों की भी बहुतायत है। इसके अतिरिक्त उन प्रदेशों में वर्षा भी भरपूर होती है, लेकिन इसके बाद भी हरियाणा जैसे कोयला खदानों से सुदूर प्रदेशों में जो NTPC, CLPC, झाड़ली झज्जर में और खेदड़ हिसार में दूरदर्शितापूर्ण फैसले लेकर प्लांट लगाए गए, यही प्लांट कोयला खदान वाले क्षेत्रों में आधी कीमत पर लगाए जा सकते थे तथा कोयले की ढुलाई पर जो खर्च आने से बिजली की लागत बढ़ती है वह भी ग्रिड के माध्यम से चौथाई लागत से कम में बिजली लाई जा सकती थी। कोयले से भरी गाड़ियां हजारों किलोमीटर कोयले की धूल छोड़ती हुई जाती हैं तथा डीजल इंजनों से जो प्रदूषण होता है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि भविष्य में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को गैर कोयला उत्पादन राज्यों में मंजूरी ना दी जाए तथा जो पहले ऐसे संयंत्र लगे हैं उनकी विस्थापना की योजना भी बनाई जाए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री बिप्लव कुमार देव, डिमांड टू स्टार्ट इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम एट NBBA एयरपोर्ट, अगरतला। महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को त्रिपुरा से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय से अवगत कराना चाहता हूँ। MBB हवाई अड्डा अगरतला एक इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल्स IFR हवाई अड्डा है, जहाँ विमान के पहुँचने, उतरने और उड़ान भरने के नेविगेशनल इश्यू सहायता और उपकरण लैंडिंग सहायता के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का उपयोग एक्यूरेट लैंडिंग में सहायता के रूप में किया जाता है, जो सामान्य और सही मौसम की स्थिति में रनवे पर उतरने के लिए विमान का मार्गदर्शन करता है। MBB हवाई अड्डा अगरतला में पुराने ILS सिस्टम को नई प्रणाली से बदल दिया गया है। नया ILS सिस्टम इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के विमानों द्वारा ग्राइंड कॉलिब्रेशन और एयर कॉलिब्रेशन 27 नवंबर 2023 को पूरा कर चुका है। अगले फेज में कॉलिब्रेशन रिपोर्ट के आधार पर उपकरण प्रक्रिया प्रोसेस विकसित किए जाएगी और इसे अनुमति के लिए DGCA के भेजा जाएगा। DGCA की मंजूरी के बाद उस सिस्टम को चालू कर दिया जाएगा। महोदय, आजकल कोहरा के कारण बहुत सी फ्लाइट्स MBB एयरपोर्ट पर उतर नहीं सकती और उन्हें दूसरे स्थान पर डाइवर्ट करना पड़ता है। इससे पैसेंजर्स को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है और उन्हें आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ता है। अतः केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुरोध है कि इस दिशा में DGCA की मंजूरी शीघ्रता से प्रदान किए जाए, जिससे ILS सिस्टम को MBB एयरपोर्ट अगरतला में शुरू किया जा सके। धन्यवाद। थैंक यू। श्री निरंजन BC, नॉट प्रेजेंट। श्री राकेश सिन्हा, नॉट प्रेजेंट। श्रीमती रमीला बेन बेचार भाई बारा, डिमांड टू कंस्ट्रक्ट हॉस्टल्स फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। धन्यवाद सभापति जी। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्यव्यापी कन्या केनवनी रथ चलाकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया, बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया। परिणाम स्वरूप आज आदिवासी, दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग की लड़कियों शत प्रतिशत शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। सरकार ने तालुका स्तर पर कॉलेज, ITI आदि संस्थान स्थापित किए, इससे सभी बच्चे लाभान्वित हो रहे। लेकिन अध्यक्षश्री तालुका स्तर पर दूर दराज गांव के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अप डाउन कर रहे हैं, जिसमें उन्हें काफ़ी रुकावटें महसूस होती है। इसके कारण कई बच्चे अपने पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। दूर दराज गांव से शिक्षा के लिए आने वाले ऐसे बच्चों की इस समस्या का समाधान के लिए
मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रत्येक आदिवासी तालुका स्तर पर इन लड़के लड़कियों के लिए रहने खाने व्यवस्था के साथ एक सरकारी समरस छात्रावास शुरू किया जाना चाहिए। यह छात्रावास तालुका जिला स्तर पर होने से हमारे आदिवासी बच्चों को बहुत अधिक फायदा प्राप्त होगा। सभापति, यह आवागमन व्यवस्था से विद्यार्थियों को समय के साथ साथ आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। माता पिता गरीब होने से कुछ बेटे बेटियों को बीच में अध्ययन यात्रा बंद करना पड़ती है। मेरा अनुरोध है इस समस्या के निराकरण हेतु छात्रावास का निर्माण शीघ्र करवाना अति उचित होगा। धन्यवाद। थैंक यू। श्री सतीश चंद्र दुबे, नॉट प्रेजेंट। द हाउस स्टैंड्स अडजर्न टू मीट एट 11 AM ऑन मंडे द 11th December 2023।